ईरान से हमले के खतरे के बीच इजराइल की नॉर्थ सरहद पर लेबनान की तरफ से रॉकेट्स की बौछार हो रही थी। इजरायली सिक्योरिटी दस्ते ने कहा कि लेबनान की तरफ से तकरीबन 40 रॉकेट्स दागे गए। इजराइल में लगातार जंग के सायरन बज रहे थे। आईडीएफ का कहना है कि उसकी तरफ से एंटी रॉकेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई रॉकेट्स को हवा में मार गिराया। इससे पहले इलाके में मुश्तबा ड्रोन दिखने से आसपास के शहरों में भी सायरन बज रहे थे। आईडीएफ एयर डिफेंस ने इससे पहले भी हिज़्बुल्लाह के 2 यूएवी को रोका था। इन हमलों में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। हिज़्बुल्लाह ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि उसने नॉर्थ इसराइल में आईडीएफ के तोपखाने पर कई रॉकेट्स दागे। यह हमला इसराइली जंग तैयारों की तरफ से हिज़्बुल्लाह की फौजी इमारतों को निशाना बनाने की बात किया गया। आईडीएफ का कहना है कि उसने साउथ लेबनान की इमारतों को निशाना बनाया था। इजरायली फौज ने कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिसमें निशाना बनाई गई हवाई पट्टियों को दिखाने का दावा किया गया। 7 अक्टूबर को इजरायल हमास जंग शुरू होने के बाद तकरीबन हर दिन इजरायल लेबनान सरहद पर आईडीएफ और हिज़्बुल्लाह लड़ाकों के बीच झड़पें देखी जा रही हैं। इन हमलों में लेबनान में शहरियों समेत 300 से ज्यादा लोग हलाक हुए। वहीं इजरायल के 18 लोग भी मारे गए, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हजारों की तादाद में दोनों ममालिक में लोग बेघर हो गए। कुछ माहिरीन का मानना है कि ईरान की तरफ से यह हमला इसके प्रॉक्सी के जरिए हो सकता है। हिज़्बुल्लाह वेस्ट एशिया में ईरान हामी ग्रुप्स के इत्तेहाद है, जो काफी ताकतवर माना जाता है। वह इजराइल ने अपनी नॉर्थ सरहद पर अपनी फौज को और बढ़ा दिया और लेबनान से उसकी फौज को वापस ले जाने के लिए कहा गया है। तो आपको बता दें कि मुसलसल ईरान की ओर से हमले का खदशा इस वक्त जाहिर किया जा रहा है। ईरान से हमले के खतरे के बीच इसराइल की नॉर्थ सरहद पर लेबनान की तरफ से रॉकेट्स की बौछार भी हो रही है। इजरायली सिक्योरिटी दस्तों ने कहा कि लेबनान की तरफ से तकरीबन 40 रॉकेट्स दागे गए। इजरायल में लगातार जंग के सायरन भी बज रहे हैं। आईडीएफ का कहना है उसकी तरफ से एंटी रॉकेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिससे कई इलाके रॉकेट को हवा में मार गिरा रहे हैं। इससे पहले इलाके में मुश्तबा ड्रोन देखने से आसपास के शहरों में भी सायरन बज रहे थे। आईडीएफ एयर डिफेंस ने इससे पहले भी हिज़्बुल्लाह के 2 यूएवी को रोका था। इन हमलों में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं। हिज़्बुल्लाह ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि उसने नॉर्थ इसराइल में आईडीएफ के तोपखानों पर कई रॉकेट्स दागे। यह हमला इसराइली जंगी तैयारों की तरफ से हिज़्बुल्लाह की फौजी इमारतों को निशाना बनाने के बाद किया गया। वहीं आईडीएफ का कहना है कि उसने साउथ लेबनान की इमारतों को निशाना बनाया। इजरायली फौज ने कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिसमें निशाना बनाई गई हवाई पट्टियों को दिखाने का दावा किया गया। 7 अक्टूबर को इजरायल हमास जंग शुरू होने के बाद से तकरीबन हर दिन इजरायल लेबनान सरहद पर आईडीएफ और हिज़्बुल्लाह लड़ाकों के बीच झड़पें देखी जा रही हैं। इन हमलों में लेबनान में शहरियों समेत 300 से ज्यादा लोग हलाक हुए। वहीं इजरायल के 18 लोग भी मारे गए, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हजारों की तादाद में दोनों ममालिक के लोग बेघर हो गए। कुछ माहिरीन का मानना है कि ईरान की तरफ से हमला इसके प्रॉक्सी के जरिए हो सकता है। हिज़्बुल्लाह वेस्ट एशिया में ईरान हामी ग्रुप का इत्तेहाद है, जो कि मुसलसल इसी तरह के हमले करता हुआ नजर आ रहा है, जो काफी ताकतवर भी माना जाता है। वहीं इजराइल ने अपनी नॉर्थ सरहद पर फौज को और बढ़ा दिया और लेबनान से उसकी फौज वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। तो ये कशीदगी मिडिल ईस्ट में इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि एक तरफ इजराइल पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। इजराइल का कहना है कि डिफेंस या अटैक, कोई भी कार्रवाई करनी पड़े, पूरी तरह से इजराइल उसके लिए तैयार है, जवाब दिया जाएगा। अमेरिका भी मुदाखलत करते हुए ईरान से हमला न करने की बात कहता हुआ नजर आया। अमेरिका की ओर से वार्निंग जारी की गई कि अगर ईरान हमला करता है इसराइल पर, तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा इसराइल को भुगतना होगा। लेकिन दूसरी तरफ लेबनान की ओर से भी मुसलसल रॉकेट्स जो हैं वो इसराइल की ओर दागे जा रहे हैं। बताया गया कि तकरीबन 40 रॉकेट्स दागे गए हैं। इसराइल में लगातार जंग के सायरन भी बज रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि उसकी तरफ से एंटी रॉकेट गन का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे कई रॉकेट्स को हवा में ही मार गिराया। इससे पहले इलाके में मुश्तबा ड्रोन दिखने से आसपास के शहरों में सायरन बज रहे थे। आईडीएफ एयर डिफेंस ने इससे पहले हिज़्बुल्लाह के 2 यूएवी को रोका। इन हमलों में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं मिली। हिज़्बुल्लाह ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि उसने नॉर्थ इसराइल में आईडीएफ के तोपखानों पर भी रॉकेट्स दागे। ये हमला इसराइली जंग तैयारे की तरफ से हिज़्बुल्लाह की फौजी इमारतों को निशाना बनाने के बाद किया गया। आईडीएफ का कहना है कि उसने साउथ लेबनान की इमारतों को निशाना बनाया। इजरायली फौज ने कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसमें निशाना बनाई गई हवाई पट्टियों को दिखाने का भी दावा किया गया। 7 अक्टूबर को
इसराइल हमास जंग शुरू होने के बाद तकरीबन हर दिन इसराइल लबनान सरहद पर आईडीएफ और हिजबुल्ला के लड़ाके इसी तरह से गोलीबारी करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच झड़पें मुसलसल देखी जा रही हैं और अब एक बार फिर से लबनान की ओर से रॉकेट दागने का जो दावा है वो आईडीएफ ने किया है। एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें ये क्लेम किया गया कि लबनान की ओर से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं और उन हमलों का जवाब देने के लिए इसराइल पूरी तरह से तैयार है। इसराइल की ओर से ये हमले किए जाएंगे। तमाम तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जो वीडियो जारी किया आईडीएफ ने वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से इसराइल भी हर हमले का जवाब देने की जो बात है वो करता हुआ नजर आ रहा है। और इसराइल की ओर से कहा गया कि जिस महाज पर भी हमला किया जाएगा वहां जवाब देंगे, चाहे हमास के खिलाफ लड़ाई हो चाहे हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह करने की बात हो, इन्हें तबाह किया जाएगा। इजरायली सिक्योरिटी दस्ते ने कहा कि लबनान की तरफ से तकरीबन 40 रॉकेट्स दागे गए। इजरायल में लगातार जंग के सायरन भी सुनाई दिए जा रहे हैं। इस वक्त लगातार ये जंग के जो सायरन हैं ये बजते हुए देखे जा सकते हैं।